दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल के सामने लिख के ये बात कह के आए कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि विधायकों को किडनैप किया हुआ है, किस तरीके से उनके वीडियो आते हैं, किस तरीके से उनसे अपनी बात कहलवाई जाती है, दबाव में है, प्रेशर में है, षड्यंत्र में है या उनको अपहरण में है, ये सब देश देख रहा है। आज नरेंद्र मोदी मॉडल आया है, पहले अपहरण करो विधायकों का, फिर उनको प्रलोभन के साथ मैनेज करो, फिर उनको अपहरण के साथ एक जगह रखो पुलिस की कस्टडी में, फिर उनसे वीडियो वायरल कराओ अलग अलग दबाव में, और फिर इधर बहुमत के लिए फ्लोर टेस्ट की मांग करो। ये एक नया, गुजरात में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, उत्तरांचल में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये देश के लोकतंत्र की हत्या करने का नया मॉडल नरेंद्र मोदी लाया। यहाँ आते हैं जब तो हवाई अड्डे पे उनको मारने पीटने की कोशिश की जाती है, सैकड़ों लोगों का जमावड़ा होता है धमकाने के लिए। कई बार वो वीडियो से, ऑडियो से, लिखित भी सभी प्रकार से अपने इस्तीफे दे चुके हैं। अब जानने को क्या रह गया है। कुल मिला के जो टालने की कोशिश हो रही है फ्लोर टेस्ट के लिए, इससे सरकार नहीं बचेगी। लेकिन बहुत बड़ा संख्या बल सरकार के खिलाफ है विधायकों का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट से नहीं डरते हैं, कोरम अगर पूरा हो पहले फ्लोट। कोरम 100% कभी पूरा होता है? कोई आवश्यक नहीं कोरम 100% पूरा हो। जो उपलब्ध विधायक होते हैं उन्हीं का आधार पर राज्यपाल महोदय ने जब आदेश किया है तो उस आदेश की अवमानना नहीं होना चाहिए। वो संविधान के प्रमुख हैं और इस कारण से उनकी उनके आदेश की मानता होना चाहिए। विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की, आप नेता प्रतिपक्ष हैं? आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी, वो राज्यपाल अपना अभिभाषण ही पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने जैसी मांग, राज्यपाल महोदय ने जैसा निर्देशित किया था शासन के लिए भी और विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी, कि आप मेरे अभिभाषण के बाद तत्काल बाद आप फ्लोर टेस्ट करवाएं। आपने जो कहा सदन के सत्र को बढ़ाने को लेकर, कैबिनेट में क्या ये विषय आया और क्या बात हुई? कैबिनेट में ये नहीं आया कि वहाँ तो कोरोना की बात हुई, महामारी है। और ये बात जरूर आई कि जो विधायक हमारे जयपुर से आए इनके भी टेस्ट कराए, राजस्थान में भी ये महामारी है, वहाँ पे भी आपदा हुई है, हरियाणा में भी है, बेंगलोर में भी, इनके भी टेस्ट कराए जाए, ये बात जरूर। विधानसभा में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, तो वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं है? देखिए, कोरोना का डर तो सब जगह है, कोरोना का डर है। आप लोग भी तय करो कि 19 से ज्यादा नहीं आए कहीं कहीं भी लोगों को मिलने के लिए। आपने उन राज्यों का जिक्र किया जिन्होंने विधानसभा सत्र आगे बढ़ाए हैं, तो जब इन राज्यों का जिक्र किया गया तो क्या मध्य प्रदेश में भी उस स्थिति को देखते हुए सत्र आगे बढ़ाने पर कोई चर्चा या कोई विचार हो रहा है? इस पे जो भी चर्चा होगी ये विधानसभा होगी। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने रात को पत्र लिखा गवर्नर साहब को कि 16 तारीख को ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए, तो क्या राज्यपाल के अभिभाषण के पहले फ्लोर टेस्ट होना संभव है या बाद में कराया जाए? देखिए, मेरी समझ में नहीं था, अभिभाषण के पहले फ्लोर टेस्ट कैसे हो जाएगा? राज्यपाल जी का अभिभाषण ये एक शेड्यूल है, विधानसभा का एक नोटिफाइड शेड्यूल है, विधानसभा जो नोटिफाइड शेड्यूल है नियम कायदे उस हिसाब चलेगी। कल परीक्षा होगी कोई जरूरी नहीं है, अभी तो कोरोना चल रहा है, ये कल देखने को मिलेगा आपको। हम फ्लोर टेस्ट से पहले से ही हमने कहा कि हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।
आप विधायकों को लाइए। मुख्यमंत्री को जो राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है जिसकी प्रति आपको भी भेजी गई और उसमें उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण के फौरन बाद वो अपना फ्लोर पर बहुमत साबित करें, तो क्या ये राज्यपाल हित देते हैं या स्पीकर तय करते हैं कि कब फ्लोर टेस्ट होगा? ये कल देखने को मिलेगा आपको सर। बस आप हमारे लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं के शिक्षक भी हैं सर, बस ये समझना चाह रहे थे, भले आप उसको सवाल के तौर पर ना लें लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जैसा मनोज भाई ने सवाल? ये कल बताएंगे हम। देखिए मैंने कल भी कहा था कि कब मुझे क्या निर्णय लेने हैं मैं पूर्व से काल्पनिक रूप से नहीं बता सकता। अभी जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो अंधेरे में तुक्का मार रहे हैं। आज तीसरा दिन बारी बारी से मैंने नोटिस दिए गए विधायकों का इंतज़ार किया। आज भी मैं 9 उन विधायकों का इंतज़ार कर रहा था जिन्होंने मुझे अपने तक किसी माध्यम से इस्तीफे पहुंचाए थे। 12 से 3 बजे आज 3 घंटे फिर बैठा, किंतु टीवी में विभिन्न माध्यमों से न जाने कौन कौन सी चर्चाएं मार्केट में आ रही हैं, लेकिन जिसके पास इस्तीफा सौंपा है उसके पास सीधे संपर्क क्यों नहीं किए जा रहे हैं? सर नंबर है सरकार? नंबर है पूरा। माने मुख्यमंत्री जी पूरा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं आपको? बस वही जो जैसा उनको कॉन्फिडेंस है। देख राजनीति को गणित नहीं होता, समय परिस्थिति अनुसार वेट एंड वॉच, बस इतना ही है। और कैबिनेट में क्या आज दूसरे विषय थे कैबिनेट में, बाकी जो कुछ निर्णय करना है सामान्य मुख्यमंत्री को करना है सभी चीज का। परीक्षा में पास होगी सर? कल परीक्षा होगी, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अभी तो कोरोना चल रहा है। प्रोटेस्ट से पहले से ही हमने कहा कि हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप विधायकों को लाइए, एक तरफ से आप विधायकों के इस्तीफे का प्रपंच करते हैं और भाजपा खुद जो है इस्तीफा स्पीकर के पास पहुंचाती है, स्पीकर बुलाते हैं, कहते हैं आइए मुझे बताइए क्या कहना है आपको, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि किसी ने इन पर्सन आकर के दिया नहीं, ना आते हैं ना करते हैं। पहली बात तो यह है जब हाउस पूरी स्ट्रेंथ में हो, हमारी तरफ से स्ट्रेंथ में है, हमारी तरफ से वो कांग्रेस के मेंबर्स हैं लेकिन भाजपा खुद कहती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर भी उन्होंने कहा है और हम जो भी रूल्स हैं उन रूल्स के मुताबिक जो है हाउस को फेस करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम फ्लोर टेस्ट में पास होंगे। बीजेपी के लिए तत्काल फ्लोर टेस्ट मानेंगे, तत्काल फ्लोर टेस्ट से क्यों डर रहे हैं आप? कौन कह रहा है हम डर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं भाजपा क्यों डर रही है, विधायकों को क्यों नहीं ला रही है? जिन लोगों से वो कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया है वो आकर के स्पीकर को क्यों नहीं कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया है? भाजपा
कह रही है, जब वो इतने कॉन्फिडेंट हैं तो अपने विधायकों को लिए फिर मानेश्वर और हरियाणा में क्यों लिए फिर रहे हैं।